नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अगला निशाना भारत, हाफिज मोहम्मद सईद की खुली धमकी। लश्कर ए तैयबा के मुखिया और मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। हाफिज ने कहा कि भारत उसका नंबर वन दुश्मन है। उसने खुलेआम धमकी दी है कि उसका अगला निशाना भारत है। हाफिज ने यह बातें पाकिस्तान के पेशावर में एक रैली में कही है। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही हाफिज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर में जिहादियों की मदद कर रहा है। हाफिज ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले देशद्रोही मसरत आलम का खुलकर समर्थन किया था। आशीष खेतान की पेड न्यूज पर तहलका को मिले थे 3 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी के बागी नेता प्रशांत भूषण ने पार्टी नेता आशीष खेतान पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि 2G मामले में खेतान ने SR के समर्थन में लेख लिखा था, जिसके एवज में तहलका को 3 करोड़ रुपए मिले थे। भूषण ने कहा कि 31 दिसंबर 2011 को छपा यह लेख खेतान ने तत्कालीन मंत्री सलमान खुर्शीद की सलाह पर लिखा था। आपके विधायक राखी के भाई पर पत्नी से मारपीट का आरोप। दिल्ली की पूर्व मंत्री और आपकी विधायक राखी बिड़लान के भाई विक्रम पर उसकी पत्नी प्रियंका ने मारपीट का आरोप लगाया है। राखी की भाभी का आरोप है कि पति विक्रम ने उन्हें बेल्ट से बुरी तरह पीटा। उन्होंने अपने बदन पर चोट के निशान भी दिखाए। प्रियंका के अनुसार यूं तो उसके 7 सालों से मारपीट हो रही है, लेकिन जब से राखी विधायक बनी है विक्रम के हौसले बढ़ गए हैं। हालांकि विक्रम ने इन आरोपों को झूठा बताया है। हिंदुस्तान के खून में श्रीराम का DNA, यूपी के राज्यपाल ने कहा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने रविवार को एटा जिले में एक धार्मिक आयोजन में कहा कि हिंदुस्तान के खून में भगवान राम का DNA है। उल्लेखनीय है कि नाईक पिछले साल दिसंबर में अयोध्या में राम मंदिर बनाने की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर बने, ये है उनकी इच्छा है। अमेरिका में एक और हिंदू मंदिर को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में एक हिंदू मंदिर की दीवारों पर स्प्रे पेंट के जरिए अभद्र तस्वीरें बनाकर मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिका में मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की है ताजा घटना है। उत्तरी टेक्सास स्थित ओल्ड लेक हाईलैंड्स में मंदिर के दरवाजे पर संख्या 666 और एक उल्टा क्रॉस पेंट किया गया था। मंदिर के बोर्ड के सदस्य कृष्ण सिंह ने कहा कि उन्होंने यह चित्रण पिछले सोमवार को देखा। अमेरिका में पिछले 3 माह में यह ऐसी तीसरी घटना है। फरवरी में वाशिंगटन में 2 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। मुफ्ती को छूट मिले तो वे कश्मीर समस्या का हल निकाल लेंगे, शरद यादव ने कहा। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने पिछले दिनों जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मुलाकात के बाद कहा कि मुफ्ती एक राष्ट्रवादी नेता हैं, अगर उनको खुली छूट मिले तो वे कश्मीर समस्या का हल तलाश लेंगे। यादव ने शनिवार को सईद से भेंट की थी। हालांकि जदयू अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि उनकी और सईद की राजनीति पर कोई बात नहीं हुई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।